हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैंने किया है हेयर स्पा, और ये हेयर स्पा वास्तव में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुझे तो मतलब एक एक बाल एकदम खिल गया था ना, कितने बाल प्यारे लग रहे हैं मेरे। तो ये हेयर स्पा है, केरेटिन स्पा ट्रीटमेंट है। तो इससे क्या हो, जो हमारे डैमेज हेयर है ना वो रिपेयर हो जाएंगे, और हमारे जो बालों में ऑयल रहता है ना, हमारे जो बालों की जड़ होती है ना उनमें ऑयल रहता है ना, उसको भी निकाल देगा, और बाल जो नई ग्रोथ होगी ना उसको लाने में हमारी हेल्प करेगा। तो मैंने अपने बालों में पहले ऑयल लगा रखा था, उसको अच्छे से वॉश किया है, और वॉश करने के बाद देखो ये केरेटिन स्पा बहुत ही अच्छी क्रीम है। ये मैं 300 रुपए की लेकर आई थी ना, इसकी MRP 899 है, और तो ये मुझे 300 में मतलब इसमें कम से कम 15-20 हेयर स्पा हो जाएंगे आराम से। तो बहुत सस्ता है, मान लो तुम 10 भी हो जाएंगे ना तो ये 30 रुपए का मुझे एक हेयर स्पा पड़ा है। इसमें जो क्रीम है ना 1 किलो आती है, तो ये मैं है ना सेक्शन निकाल के ना अपने बालों पर लगा लूंगी और अच्छे से मसाज करूंगी। अगर हम किसी की हेल्प ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, अच्छे से हमारा क्या हेयर स्पा हो जाएगा। और देखो हेयर स्पा से हमारे जो बाल है ना डैमेज हेयर होते हैं ना वो रिपेयर हो जाते हैं, मतलब जो डैमेज हेयर होते हैं ना वो सही होने लगते हैं, और जो हमारे कमजोर बाल होते हैं ना वो निकल के ना बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। बालों में जो डैंड्रफ होता है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर बालों में डैंड्रफ लग जाए ना तो हमारे बाल बहुत झड़ने लगते हैं, तो क्या होगा डैंड्रफ सारा निकल आएगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, बालों में शाइन इतनी अच्छी आएगी, आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये मैं पूरी बालों के लेंथ में अच्छे से लगाऊंगी, और जो हमारे बालों की जड़ है ना उसमें अच्छे से लगा लूंगी, है ना। क्योंकि अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए ना तो आप उनसे हेल्प लो और अच्छे से इसका हेयर स्पा करवाओ। मेरे पास कोई था नहीं तो मैं खुद से आपको करके दिखा रही हूँ। और ये जो क्रीम है ना मार्केट में आराम से मिल जाएगी, केरेटिन स्पा क्रीम है, ये केरेटिन स्पा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट क्रीम है, और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है बालों को। आप है ना हर महीने या 15 दिन में एक बार करोगे ना बालों को देखना, भाई आपको है ना बालों से प्यार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यूज करना है पूरा, है ना। मैं अपने अच्छी से लेंथ में लगाऊंगी, मुझे लेंथ में लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लेंथ है ना अच्छी साइन दे बालों में, बाल जब ही अच्छे लगते हैं जब हमारे बालों में साइन हो, है ना। और देखो मैं कितनी पूरी लेंथ में लगा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। अभी अच्छे से मसाज करूंगी, मैंने ऑफ कैमरा है ना मसाज कर लिया था अपने बालों में, और क्या करूंगी मैं एक अच्छा सा जुड़ा बांध के है ना टाइट जुड़ा बांध दूंगी। और ये है ना स्टीम मशीन है, इससे क्या स्टीम मिलती है, सस्ती जुगाड़ है ये। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना, एक जग वाला स्टीमर आता है वो नहीं है, तो आप ये मंगा लेना, 100 रुपए के समथिंग मीशो से बहुत सस्ता मिल जाता है। इसको मैं सेट करूंगी और स्विच में लगा दूंगी, इससे क्या मुझे स्टीम मिलती रहेगी मेरे बालों को, और भाई इतना मतलब रिलैक्स फील होता है इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा। अब मैंने इसको सेट कर लिया, अब देखो सेट करने के बाद है ना मैं इसको 15 मिनट तक मुझे स्टीम लेनी है। 15 मिनट में हमारे बालों के लिए काफी होती है स्टीम, है ना। तो ये मैं देखो सेट कर लूंगी अच्छे से, और 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। और ना देखो ये आपको ना हेयर स्पा 15 दिन में एक बार करना चाहिए, आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप दही वगैरह से भी कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको हटा दूंगी, मेरे मतलब पूरा सर है ना गरम गरम हो गया, क्योंकि स्टीम मिल रही थी इससे, तो पूरा सर एकदम गरम सा हो गया। और इस गरम जैसे सर हमारा गरम ना, अब मैंने एकदम ठंडा पानी डाला था, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। अब इसको वॉश करके दिखाती हूँ। देखो ये मेरे पूरे बालों से मैंने क्रीम निकाल ली है, शैम्पू यूज नहीं करना, हेयर स्पा क्रीम निकालनी है, जो क्रीम लगाई ना वो उसको अच्छे से निकालना है। तो ये मैंने पूरी क्रीम निकाल ली, बालों को अच्छे से धो लिया है, ठीक है। अब इनको सुखा के बताती हूँ आपको। देखो एक एक बाल हो गए, मैंने कोई स्टीमर यूज सॉरी मैंने कोई स्ट्रेट मशीन यूज नहीं की। आप मेरे बालों पे साइन देखो कितनी प्यारी आई है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप बताना मेरा हेयर स्पा कैसा लगा। और आप भी है ना 15 दिन में एक बार हेयर स्पा जरूर करना। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही से एलोवेरा जेल से भी स्पा कर सकते हो, और एक कंडीशनर से भी आप हेयर स्पा कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो